तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं बात करने जा रहा हूँ सब फॉर सब की। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आप सब फॉर सब तो जरूर करते ही होंगे। तो गाइस, इसमें आपको बहुत धोखा मिलते होंगे। आपको लोग बोलते होंगे कि मैंने आपकी वीडियोज़ को वॉच कर लिया, लेकिन वो वॉच असलियत में नहीं करते हैं, वो वीडियो को काफ़ी स्किप करते रहते हैं। तो गाइस, मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आऊँ जिससे आप पता लगा पाएंगे कि उस बंदे ने आपकी वीडियोज़ को कितने मिनट के लिए वॉच करा है। सब फॉर सब आप बोलते होंगे सामने वाले कि आप मेरी वीडियोज़ को 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, ताकि आपकी वीडियोज़ की वॉच टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो वॉच नहीं करते थे। गाइस, इसका पता लगाने के लिए आपको सिंपली चले जाना है बाल्टी क्रिएटर स्टूडियो में। तो गाइस, इस ऐप में हम भी आ चुके थे। गाइस, इस ऐप पे आने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना था। गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियोस को वीडियो में बने रहे, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियोस के। आप क्लिक करते हैं व्यूज़, ये मेरी वीडियोस है मान लो, उस पर क्लिक करते हैं व्यू मोर पे। तो गाइस, व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना नीचे गो टू वीडियो एनालिटिक्स। तो गाइस, सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको टॉप पर मिल जाएगा रियल टाइम व्यूज़। तो गाइस, इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर टाइम सेट कर लेना है, लास्ट 60 मिनट पर कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा शो हो जाएगा। आपको अगर आपका लास्ट एक घंटे में किसी ने वीडियो को वॉच करा होगा, मेरे किसी ने वॉच नहीं करा, इसलिए मैं 48 आवर्स कर देता हूँ। तो गाइस, करने के बाद आपको सिंपली यहाँ ब्लू लाइन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका व्यूज़ देखने के लिए कि किसी ने आपकी वीडियोज़ को लास्ट 48 आवर्स या लास्ट 60 मिनट में किसी ने वॉच किया है कि नहीं किया है। तो गाइस, सिंपली ऐसे आपको व्यूज़ पता चल जाएगा कि आपको व्यूज़ आए कि नहीं आए। गाइस, अब बात करें वॉच टाइम को, तो गाइस सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले टाइमिंग सेट कर लेनी है। यहाँ से मैं टाइमिंग सेट कर लेता हूँ 48 आवर्स। तो गाइस, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्लू लाइन आ जाएगी, मतलब ये इतना वॉच टाइम है। गाइस, आपको सिंपली इन ब्लू लाइन के टॉप पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे पता चलेगा कि कितने मिनट पर, कितने टाइमिंग पर आपकी वीडियोज़ को वॉच किया गया है, कितने मिनट के लिए। तो गाइस, यहाँ पर आकर आप क्लिक किसी भी पे क्लिक करके आप देख पाएंगे कि आपकी वीडियोस को कितने मिनट के लिए वॉच किया गया है। अगर आप वीडियोस की वॉच टाइम कम आ रहा है, तो आप सिंपली उस बंदे को बोल सकते हैं कि आपने वीडियोस फुल वॉच नहीं करी, आप फुल वॉच करें, तो इससे वो वीडियो वॉच करेगा और आपकी वीडियोस में जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज़ होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतने ही इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं अगली ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।